जो है वो आइटम ये है कि भाई ट्राइंग टू हेल्प अदर्स टू मच. कुछ लोग ज्यादा ही हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों को हेल्प करने को तैयार ही रहते हैं ना. अपना सब बाजू में रखेंगे, अपने बच्चों का बाजू में, अपने घर के काम बाजू में, और किसने बुलाया कि चलो, किसने बुलाया कि चलो चलो जाते लोग. कुछ भी लोग, और लोग उनका फायदा भी उठा लेते. आपको शायद होंगे ऐसे मालूम होंगे ना, है ना, ऐसे कि लोग बहुत ऐसे बहुत ही हेल्पफुल नेचर के रहते. तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं कि हेल्पफुल रहना, मगर लोग उनका फायदा उठाते फिर, है ना. कुछ हो गया कि उनको बुला लेते हैं, चला वहां आप ले ला फुकटा बैठते, चला चलो यार काम करवा ऐसा करना, है ना, ऐसा होते जाता है. तो ट्राइंग टू हेल्प पीपल. फिर अनदर थिंग इज, मतलब टाइम वेस्टर जो है वो ये है कि ट्राइंग टू शो दैट आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, है ना. वो बताने के लिए फिर बहुत टाइम जाता है. क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है, आपका ईगो बहुत ज्यादा है, आपको लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, एक्नॉलेज करना चाहिए ऐसा. तो फिर उसके लिए फिर कुछ ना कुछ करना है जिसकी जरूरत नहीं है, और उसमें फिर टाइम चले जाए. तो अप्रिसिएशन, मतलब गेटिंग अननेसेसरी अप्रिसिएशन, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने मेरे को बोलना चाहिए, लोगों ने ऐसा करना है, उसमें अपना कितना टाइम जाएगा. जो खामोखा कुछ उससे होने वाला है नहीं. लोग क्या है, खुश मस्करे बहुत लोग रहते, बराबर है कि नहीं. वो तो करेंगे करेंगे, आपको चाहिए, मतलब उससे होने वाला क्या है, आपका काम तो बिगड़ जाएगा, आपका टाइम उसमें निकल जाएगा. तो अपने को इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए, इसलिए लोग आगे आगे करेंगे, सामने वाले के सामने सामने करेंगे, पूरे पूरे करना है ना लोकांचा, तो ना है हमको हमको करा दे तुम, मान लोकानी मटल भाई, जब वहाँ चांगला मटल अच्छा बोलने को होना, और इसमें अपना टाइम चला जाएगा. क्योंकि अपन फोकस जो है, अपना गोल जो है, उससे अपन कहीं दूर निकल जाते हैं.